दोस्तों, इनिशियली जब मैं सेल्स में काम करता था तो मेरे कई कस्टमर्स घर जाके मुझे फ़ोन करते थे और बोलते थे कि भैया, जब भी मैं अपनी गाड़ी को लॉक कर रहा हूँ तो ऐसी एक लाल रंग की लाइट ब्लिंक कर रही है, ये क्यों जल रही है? इससे कहीं मेरी गाड़ी का बैटरी तो डाउन नहीं हो जाएगा? तो मैं आप लोग को बता दूँ कि ये एक्चुअली इंजन इमोबिलाइज़र का एक्टिव होने की लाइट है। इंजन इमोबिलाइज़र एक पैसिव थेफ्ट प्रिवेंशन सिस्टम है जो बिना करेक्ट की या कह सकते हैं ट्रांसपोंडर की यूज़ किए आपकी गाड़ी को स्टार्ट होने नहीं देगा। जो की या की फोब हम यूज़ करते हैं उसमें एक ट्रांसपोंडर चिप रहता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी कोड या सिंपली बोलूं तो व्हीकल का पासवर्ड स्टोर किया हुआ रहता है। ECU तब तक फ्यूल सिस्टम या इग्निशन सर्किट नहीं एक्टिवेट करेगा जब तक ये की का कोड और इमोबिलाइजर का कोड मैच नहीं करेगा। इंजन इमोबिलाइजर की वजह से थेफ्ट अराउंड 40% तक कम हुए हैं और इस लाइट के जलने से आपकी बैटरी डाउन नहीं होगी अनलेस आपकी गाड़ी एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए पार्क्ड हो। बेसिकली ये इमोबिलाइजर एक एंटी थेफ्ट सिस्टम है जो आजकल की ज़्यादातर गाड़ियों में यूज़ होता है।